कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए आम जनता और कारोबारी लगातार प्रधानमंत्री फंड और मुख्यमंत्री फंड में खुलकर दान कर रहे हैं। उनका कहना है यह पैसा कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहे लोगों के काम आएगा। कॉलोनी वासियों का कहना है कि प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए जब इतना कर रहे हैं तो उनका भी फर्ज बनता है कि वह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खाते में कुछ दान देकर देश की मदद करें। आपको बता दें, शास्त्री नगर मयूर विहार कॉलोनी निवासी लोगों ने अपनी कॉलोनी से पैसा इकट्ठा करके प्रधानमंत्री राहत कोष में 51,000 और मुख्यमंत्री राहत कोष में 51,000 की धनराशि देकर देश के प्रति अपनी भावना जाहिर की है। पैसे के साथ ही कॉलोनी वासियों ने 500 बोरे आटे भी जिला प्रशासन को सौंपे हैं। कॉलोनी के लोगों ने जो पैसा इकट्ठा किया है वो भाजपा के सांसद राजेंद्र अग्रवाल और मेरठ विकास प्राधिकरण के सचिव प्रवीण अग्रवाल को सौंपा है। सांसद के हाथों से गरीब और मजलूम लोगों को आटे का बोरा भी वितरण कराया जा रहा है। सांसद का कहना है वो अपने देश के प्रति ससम्मान खड़े हैं और मजलूम और गरीब लोगों की मदद हमेशा करते रहेंगे, किसी को भी भूखा नहीं सोने देंगे। प्रवीण अग्रवाल ने बताया कि मेरठ विकास प्राधिकरण के द्वारा कम्युनिटी किचन भी चलाई जा रही है, जिसमें रोजाना 1,000 गरीब और बेसहारा लोगों के लिए भोजन बनाया जाता है और उसको सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा वितरण कराया जा रहा है। सफाई व्यवस्था का भी भरपूर किचन में ध्यान रखा जाता है। प्रवीण अग्रवाल ने बताया कि मयूर विहार कॉलोनी वासियों ने सराहनीय कार्य किया है, उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। मैम, आज यहाँ क्या प्रोग्राम किया गया? मयूर विहार की जो नागरिक कल्याण समिति है, इन्होंने प्रधानमंत्री सहायता कोष और मुख्यमंत्री सहायता कोष दोनों में 51,000 रुपए का योगदान किया है। इसके अलावा जिन लोगों के पास राशन की व्यवस्था नहीं है उनको कुछ राशन वितरण भी किया है। इनका ये प्रयास और सहयोग जो है सराहनीय है। हमारा समाज अगर इसी तरह अन्य सोसाइटियां सभी सहयोग करती रहें तो इस कोरोना की जंग से जीतने में हमें बिल्कुल समय नहीं लगेगा। MDA खुद भी एक कम्युनिटी किचन चला रही है, जिसमें हम 1,000 पैकेट खाना सुबह और 1,000 पैकेट खाना शाम को बना के लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा पांडव नगर जहां हम ये किचन चला रहे हैं उसके आसपास के लोग जो जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है उनको भी भोजन पहुंचा रहे हैं और इसे हम तब तक जारी रखेंगे जब तक ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन कह लीजिए उसको, RWA, तो उन्होंने आज यहाँ पर अपने भी हाथ बढ़ाए हैं। तो 51,000 रुपये प्रधानमंत्री के कोष में और मुख्यमंत्री कोष में प्रदान किए हैं, 1,02,000 रुपये। और साथ ही तो थोड़ा सा आप देख ही रहे हैं, कुछ कठिनाई में हैं हमारे ऐसे समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर बंधु, उनके लिए आटे का भी वितरण किया है। और ये जो संकल्प आप तो चलिए प्रतीकात्मक रूप से दिया है, परंतु आगे भी है कि इस प्रकार की कठिनाई में बराबर मयूर विहार के जो हमारे नागरिक हैं वो सहयोग करने का उनका एक पक्का संकल्प है। ये अभिनंदन करने योग्य है। पूरे महानगर में ही क्या, पूरे प्रदेश में और देश में ये जो हाथ उठे हैं नागरिकों के, ये वास्तव में इस देश की संकल्प शक्ति का प्रमाण है। निश्चित कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। सांसद जी, अभी कुछ जगह पर खाना नहीं पहुंचा, जबकि मुख्यमंत्री जी के साफ आदेश है प्रशासन को कि कोई भी भूखा ना सोए, लेकिन अभी भी खाना नहीं पहुंच पा रहा है। मेरी तो जानकारी में देखिए, मैं खुद भी, मेरे पास भी फोन के लिए मेरा नंबर गया हुआ है, हमारे पार्टी के कई नंबर गए हुए, हमारे संजीव जी खुद इसके सारे के इंचार्ज हैं, तो हमको तो खबर मिलते हम पहुंचाते हैं। कई बार हो सकता है ऐसा है तो उसकी व्यवस्था की जाएगी, परंतु मेरा ऐसा ख्याल है कि कई बार कुछ निगेटिव चीजें भी कुछ लोग कह देते हैं, लेकिन तब भी मैं उस बात पर ज्यादा जोर नहीं दूंगा। मैं खाली ये कहूंगा कि कहीं पर भी कोई कमी है हमें बताए, संजीव जी को बताए, मेरा नंबर सबको पता है, प्रशासन को बताए, निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, ये पक्का संकल्प है और ये होगा। तो सर, क्या नाम है? मेरा नाम गोविंद अग्रवाल है। गोविंद जी, आज क्या कार्यक्रम आपने किया? हम लोगों ने यहाँ आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के सहायता कोष में और माननीय प्रधानमंत्री जी के सहायता कोष में हम लोग ने सोसाइटी कल्याण समिति मयूर विहार की तरफ से 51,000 रुपये का चेक दिया है और हम लोगों ने लगभग 25,000 का आटा मंगाया था। तो उससे हमने जो भी इस समय कठिन परिस्थिति में जो हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको सहायता प्रदान करने के लिए हमने माननीय सांसद जी को और MDA के सचिव आई थी उनके हाथों से ये पुण्य कार्य कराया, सहयोग भी दिया। मैं सभी का उनको धन्यवाद करता हूँ और आप सब मीडिया कर्मियों का भी कि आप लोगों ने इतनी पॉजिटिव खबर चला के इसमें कोरोना की लड़ाई में हम सबका मनोबल बढ़ाया है, मैं उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ।